हाय वेलकम टू कोडफेन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑन द ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज। अब तक हम काफी कुछ कर चुके हैं एंड आई होप आपको मजा आ रहा होगा, मतलब आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना। तो यहाँ पे वापस आते हैं एंड इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपनी लॉगिन फ्रेम। हमारे पास यहाँ पे जब भी हम लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक वो होगा, लॉग इन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक फ्रेम खुलेगा जो कि होगा यहाँ पे लोडिंग के नाम से, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वो बनाने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे सोर्स पैकेज को एक्सपैंड करना है और जो यहाँ पे ये आपका ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से है इस पे आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है लोडिंग। मैंने यहाँ पे लोडिंग के नाम से एक ये फ्रेम बनाया और इस फ्रेम के बनने के बाद अब यहाँ पे मेरे को एक कोड लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो कमेंट्स यहाँ से हटा रहा हूँ मैं और यहाँ पे मेरे को लिखना है पब्लिक स्टैटिक एंड void and main, और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्ट्रिंग args, ठीक है, परफेक्ट है। और यहाँ पे सपोज न्यू लोडिंग का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, मस्त है। अब यहाँ पे आपको लोडिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है। आपको यहाँ पे पैकेज को इम्पोर्ट भी करना है जो कि स्विंग पैकेज होगा, बिना स्विंग पैकेज के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आता है आपके जावा के एक्सटेंडेड पैकेज के अंदर से एंड बिल्कुल परफेक्ट। आपको यहाँ पे लिखना है एक्सटेंस जे फ्रेम, ठीक है, जितने भी हमारे फंक्शन हैं वो सब जे फ्रेम क्लास के अंदर होते हैं, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंस जे फ्रेम लिखना पड़ेगा एंड काफी सही है। अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो फ्रेम बनाना है, तो फ्रेम बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेट बाउंस मेथड का। सेट बाउंस मेथड का यहाँ पे यूज करके फ्रेम बना सकते हो। मैं सपोज यहाँ पे दे रहा हूँ उसकी लोकेशन 500 एंड 200, ऊपर से ऑलमोस्ट 200 ही रखेंगे हम, तो हमेशा यहाँ पे 200 ही रखनी है। और फिर फ्रेम के साइज के हिसाब से वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट चेंज होगा। तो फ्रेम का साइज यहाँ पर है सपोज 650 और यहाँ पे मैंने दिया सपोज 400, मस्त है। और यहाँ पे आपको डालना है सेट विजिबल और इसको कर देते हैं सपोज ट्रू। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो एकदम मस्त चलेगा। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे फ्रेम आ चुका है, बट यहाँ पे एक लोडर मेरे को लगाना है तो वो लगा लेते हैं। उससे पहले मेरे को यहाँ पे इसका जो फ्रेम का कलर है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज गेट कंटेंट पेन एंड डॉट सेट बैकग्राउंड और यहाँ पे आ जाएगा कलर डॉट वाइट। कलर क्लास को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, सीधा AW पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, वो यहाँ पे कलर क्लास को इंपोर्ट मार देगा। मैंने यहाँ पे AW पैकेज को इंपोर्ट किया। मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन को और यूज करना है जो कि है सेट लेआउट और नल, परफेक्ट है। यहाँ पे एक लेबल बनाना है मेरे को, लेबल पे लिखा होगा कि प्रोजेक्ट का नाम बेसिकली लिखा होगा ट्रेवल एंड टूरिज्म एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सपोज टेक्स्ट लिखा, हेडिंग आप ले सकते हो इसको, तो यहाँ पे मैंने जे लेबल लिखा इसको। यहाँ पर आपको लिखना है ट्रेवल एंड टूरिज्म एप्लीकेशन, करेक्ट है। और इसको सपोज मेरे को इसको फ्रेम के ऊपर प्लेस करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट सेट डॉट सेट सेट बाउंस, यहाँ पे 50 20 और 600 एंड 40, ठीक है। ऐड करते हैं यहाँ पे, मैं अगर टेक्स्ट को यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखाऊँ तो एकदम मस्त आएगा ट्रैवल एंड टूरिज्म एप्लीकेशन यहाँ पे फ्रेम के ऊपर, बिल्कुल मस्त है। बट इसके फॉन्ट कलर और सबको मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसके फॉन्ट कलर कलर को मैंने यहाँ पे चेंज किया, सपोज यहाँ पे दे रहा हूँ मैं सेट फोरग्राउंड एंड ये हो जाएगा आपका कलर डॉट, सपोज कितना दे ब्लू दे देते हैं, कलर कलर डॉट ब्लू। और फिर यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट डॉट क्या रहता है सेट फॉन्ट करना मेरे को यहाँ पे, और न्यू फॉन्ट और ये सपोज क्या दें तहोमा दे देते हैं। ये एक बहुत अच्छा फॉन्ट है रेलवे, ठीक है, रेलवे। आप यहाँ पे तहोमा डाल सकते हो, सेंसेरिफ डाल सकते हो, सेरिफ डाल सकते हो, कैलिब्री डाल सकते हो, लेकिन रेलवे एक अच्छा फॉन्ट है। मैं आपको रेलवे यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट डॉट बोल्ड और कितना दे सपोज 35 में यहाँ पे दे रहा हूँ। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल मक्खन चलेगा। और यहाँ पे आपके पास एक हेडिंग आएगी बिल्कुल अच्छी बड़ी ट्रैवल एंड टूरिज्म एप्लीकेशन के नाम से, या करेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को एक प्रोग्रेस बार दिखाना है, एक प्रोग्रेस बार टाइप यहाँ पे मेरे पास कुछ होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं जे प्रोग्रेस बार का। जे प्रोग्रेस बार यूज करके आप यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सपोज बार लिखा मैंने और इक्वल्स टू न्यू जे प्रोग्रेस बार, परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इसको बार डॉट सेट बाउंस करना पड़ेगा इसको, इसको सेंटर में थोड़ा नीचे की तरफ मेरे को दिखाना है। तो यहाँ पे लिया मैंने 150 और 100, ऊपर से 100, कितना ले लेते हैं सपोज 335, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ऐड कर देते हैं यहाँ पे बार को, अरे और यहाँ पे मैंने ये लिखा, सही है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो एक प्रोग्रेस बार यहाँ पे मेरे पास एक आना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखो प्रोग्रेस बार यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, बट ये अभी चल नहीं रहा, 1 से लेके 100 तक जा नहीं रहा। तो इसको अभी इसको करना है मेरे को एक चीज यहाँ पे और डालनी, एक फंक्शन कॉल करना है मेरे को यहाँ पे जो कि होगा यहाँ पे बार डॉट सेट
स्ट्रिंग और पेंटेड, ठीक है। ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया, इसको कर देते हैं यहाँ पे ट्रू। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखूँ तो इसको क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे ये नहीं लिखाया मैंने, पेंटेड, परफेक्ट। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा तो यहाँ पे 0% आ गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इसको 0 को 100 तक भी लेकर जाना है, उसको अभी देख लेंगे। बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे 2 लेबल्स और बनाने हैं, ठीक है। पहला जो लेबल होगा वो होगा प्लीज वेट के नाम से, ये बिल्कुल टेक्स्ट बार के यहाँ पे नीचे लिखा होगा प्लीज वेट, ठीक है। अभी लोडिंग, यहाँ पे सपोज ये भी ले ले लिख देते हैं लोडिंग एंड प्लीज वेट, और यहाँ पे 3 डॉट, सही है। और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा लोडिंग, मस्त है। इसको सपोज कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, एंड 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 एंड। अब मेरे को यहाँ पे इसको उसके जस्ट नीचे लगाना है, तो इसको लेते हैं सपोज 200 से, एंड 100 तक तो हमारा यहाँ पे लेबल है, 100 और 135 तक तो यही जा रहा है, ठीक है। और इसको लेते हैं सपोज 140 से, और 600 तक लेने की कोई कोई जरूरत नहीं है, इसको आप 100 ले सकते हो, 120 ले सकते हो, 150 ले सकते हो, और इसको सपोज 30 ले रहे हैं, ठीक है। नीचे मेरे को यहाँ पे एक और लेबल चाहिए, ये लेबल होगा आपका जहाँ पर आपका यूजर नेम प्रिंट होगा। नीचे मेरे को बॉटम लेफ्ट में लिखना है वेलकम और फिर यूजर नेम, सपोज वेलकम शाहरुख हमने यूजर नेम लिया होता तो अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे हार्ड कोड करके दिखा रहा हूँ इसको। ये भी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे हम कैसे इसको यूजर नेम को निकालेंगे, बस 1 सेकेंड दे दो मेरे को। तो यहाँ पे ये आ गया एंड यहाँ पे ये आ गया, मस्त है। अब इसके बाद ये कहाँ पे दिखाना है, बॉटम लेफ्ट में दिखाना है, तो 20 से मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट किया और 310 मैंने यहाँ पे ये लिया, और सपोज 400 ले लेते हैं, 440, या ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे देखो तो लॉडिंग आना चाहिए यहाँ पे, वेलकम शाहरुख तो आया है यहाँ पे, बट लॉडिंग नहीं आया, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे को यहाँ पर मेरे को ये ब्लू कलर में ही चाहिए, इसको मेरे को चाहिए यहाँ पे रेड कलर में, ये रेड कलर में लिया मैंने, एंड ये मेरे को 35 नहीं चाहिए, इसको ले लेते हैं 16, ठीक है। और जो लोडिंग वाला फ्रेम है वो मेरे को इतना बड़ा नहीं चाहिए, इसको भी लेते हैं सपोज यहाँ पे 16, एंड इसको भी लेते हैं यहाँ पे ब्लू कलर की जगह, इंस्टेड ऑफ ब्लू कलर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रेड रेड कलर, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे मेरे को दिखना चाहिए। अरे क्या हुआ, वो लोडिंग वाला क्यों नहीं आ रहा, इसको क्या हुआ? अच्छा यहाँ पे वो, सॉरी सॉरी सॉरी, माई बैड, यहाँ पे टेक्स्ट की जगह लोडिंग लिखना है, मैंने इसको चेंज नहीं किया था, माई बैड। तो अब यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा आएगा जिस पे होगा लोडिंग प्लीज वेट, करेक्ट आया है, बट इसको थोड़ा समय को ऊपर करना है, तो इसको ले लेते हैं 130 ले लेते हैं, और यहाँ पे एक सेकेंड, इसको ले लेते हैं 230, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर किया है, तो अब बिल्कुल सही आना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि जैसे यहाँ पर ये कॉल होगा ना, ये यहाँ पे 100 तक जाना चाहिए, 1 से लेके 100 तक यहाँ पे जाना चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टी थ्रेडिंग का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और ये जो 0 है इसको मेरे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से हम यहाँ पर इस चीज को अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को वही करना है जो हमने पीछे किया था, स्प्लैश फ्रेम में मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट्स आपको यहाँ पे करना है रेनेबल को। रेनेबल को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे एक थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, थ्रेड क्लास का मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, और मेरे को जो प्रोग्रेस बार है, जे प्रोग्रेस बार, उसको ग्लोबली डिफाइन करना है, क्योंकि अब मैं रन मेथड के अंदर ये सब यहाँ पे करने वाला हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर किया, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब आपको यहाँ पे एक मेथड को ओवरराइड भी करना पड़ेगा, जो कि होगा यहाँ पे पब्लिक वॉइड रन, और बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अंदर अब मेरे को थ्रेड ऑफ स्लीप मेथड का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक सेकंड का मेरे को होल्ड होल्ड वहां पे देना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे पहले पहले तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्राई और कैच, मैंने यहाँ पे ट्राई और कैच लिखा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ई डॉट पिन स्टैक ट्रेस, परफेक्ट। अब यहाँ पर मेरे को एक लूप चलाना है, ठीक है। लूप में यहाँ पे चला चला रहा हूँ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके, और ये मेरे को चलाना है 100 तक, बट मैं यहाँ पे चला रहा हूँ इसको 101 तक, अभी बताता हूँ क्यों क्यों इसको मैंने 101 तक चलाया, ठीक है। मेरे को अब यहाँ पे दो चीजें चाहिए, सबसे पहली तो मेरे को यहाँ पे चीज चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 100 है, तो यहाँ पे इंट मैक्स लिया मैंने, और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपकी 100 आएगी, तो बार डॉट गेट मैक्सिमम, ये वाला फंक्शन आपको बता देगा कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जहाँ यहाँ पे इस केस में जो कि मैक्सिमम वैल्यू है 100। फिर इंट वैल्यू, करंट वैल्यू आपकी क्या चल रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बार डॉट गेट वैल्यू यहाँ पे ये लिखा कि अभी वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, सपोज वो बढ़ता जा रहा है 100 से, पहले अभी करंट वैल्यू क्या है वो मेरे को चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे मेरे को एक चेक लगाना है, चेक ये होगा कि क्या आपकी वैल्यू कम है आपकी मैक्सिमम वैल्यू से। अगर आपकी वैल्यू कम है आपकी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू से, तो मेरे को जो
बार में जो मैंने वैल्यू निकाल ली है उसको सेट वैल्यू यहाँ पे करना पड़ेगा, और जो करंट वैल्यू है उसमें प्लस वन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिया बार डॉट गेट वैल्यू, करंट वैल्यू में प्लस वन किया, ठीक है। एल्स अगर वैल्यू एक्सीड कर चुकी है, मैक्सिमम वैल्यू सपोज 100 है और ये जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू सपोज 100 है और ये वैल्यू जा चुकी है 101 तक, ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे एक्सीड कर चुकी है, तो मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे सेट विजिबल को इस टाइम पे क्लोज कर देना है, ठीक है। सेट विजिबल को मैंने यहाँ पे क्लोज किया और मेरे को यहाँ पे न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कमेंट नहीं लगाया गया मैंने। इसके बाद यहाँ पे मेरे को डालना है थ्रेड डॉट स्लीप, एग्जीक्यूशन को मेरे को कुछ सेकंड्स, कुछ मिली सेकंड्स के लिए रोकना है। सपोज मैं इसको रोक रहा हूँ यहाँ पे 50 मिली सेकंड्स के लिए। अब डिपेंड करता है कि आप आपको वो लोडर कितनी तेज भगाना है आगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इस रन मेथड को कॉल करना है, इस रन मेथड को अब मेरे को यहाँ पे कॉल करना है, बट रन मेथड को कॉल करता है हमारे यहाँ पे थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास यहाँ पे रन मेथड को कॉल करेगी, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा किस नाम से, मैंने वहाँ पे वो बनाया हुआ है, मैंने वहाँ पे टी के नाम से बनाया हुआ है। एक सेकेंड, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा टी इज इक्वल्स टू, अरे टी इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, ठीक है। थ्रेड क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, मेरे को यहाँ पे स्टार्ट मेथड को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज टी डॉट स्टार्ट, तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट मेथड को कॉल किया। एक काम मेरे को यहाँ पे और करना है, मेरे को यहाँ पे इसके अंदर दिस पास करना है। बिना दिस पास के चलेगा नहीं, तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, अरे चल जा भर प्रो, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्टली चलना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है एंड बढ़िया। तो ये था हमारे यहाँ पे लोडिंग फ्रेम, आई होप क्लियर होगा हमने यहाँ पे कैसे कैसे बनाया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है, अब यहाँ पे मेरे को ये काम करना है कि जो मेरे यहाँ पे लॉग इन फ्रेम है, लॉग इन फ्रेम में मेरे को यहाँ पे वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। लॉग इन फ्रेम में मेरे को यहाँ पे वैल्यूज को निकालना है और जो वैल्यूज है उनको मैच कराना है मेरे को डेटाबेस के साथ, और अगर वो वैल्यूज मैच होती हैं तो मेरे को यहाँ पे ये वाला लॉगिन फ्रेम खोलना है। तो मेरे को यहाँ पे जाना है लॉग इन फ्रेम के अंदर, और जैसे ही सपोज यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक होगा, लॉग इन पे क्लिक होगा तो मेरे को यहाँ पे डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन बनाना है। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेप्शन ई, और बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे आ जाएगा आपका ई डॉट प्रिंट स्टैक एंड ट्रेस, करेक्ट है। यहाँ पर आपका ये आ गया। अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है उसमें से, जो भी वैल्यू वहां पे हिट होगी, क्या कहते हैं, जो भी वैल्यू वहां पे टेक्स्ट फील्ड में जो भी आप वैल्यू डालोगे, तो उसमें से मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूजर नेम निकाला डॉट गेट टेक्स, ठीक है, बिल्कुल सेम करना है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड निकाला जो जो कि आ जाएगा टीएफ पासवर्ड डॉट गेट टेक्स, ये कुछ भी शायद यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर नहीं हुआ यूजर नेम और पासवर्ड, तो मेरे को यहाँ पे उनको ग्लोबली डिक्लेयर करना है, या ग्लोबली डिक्लेयर नहीं है, तो पासवर्ड की लोकल डिक्लेरेशन मैंने यहाँ से हटाई, यूजर नेम की मैंने यहाँ से लोकल डिक्लेरेशन हटाई, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज जे एंड टेक्स्ट फील्ड, और ये आ जाएगा आपका टीएफ पासवर्ड एंड टीएफ यूजर नेम, परफेक्ट है। ये दोनों मैंने यहाँ से निकाले, अब यहाँ पे आपके पास आ चुका है, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड, अब दोनों यहाँ पे आपके पास आ चुके हैं। हम दोनों को लेके मेरे को यहाँ पे एक क्वेरी बनानी है, MySQL क्वेरी, अब यहाँ पे मेरे को बनानी है। क्वेरी बहुत सिंपल होगी, मेरे को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर, जहां पर यूजर नेम जो होगा वो यहाँ पे इस वाले यूजर नेम के इक्वल होगा, एंड जो पासवर्ड होगा वो मेरे पास यहाँ पे इस वाले पासवर्ड के इक्वल होगा, परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने ये बिल्कुल परफेक्टली चलाया। मेरे को यहाँ पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा अपने MySQL के साथ। मैंने यहाँ पे कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जहां पर भी आपको लगे, एक थंब रूल बना बना लो, जहां पर भी आपको लगे कि यहाँ पे मेरे को MySQL से कुछ काम है, सीधा उठा के कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। और फिर हाँ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट और क्वेरी, और यहाँ पे मैंने सपोज क्वेरी पास किया, ठीक है, और इसको मेरे को स्टोर कराना पड़ेगा रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो पूरी का पूरी रो रिटर्न करेगा यहाँ 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 से, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट सेट जो हमारी एक ये वाला पूरी क्लास होती है, ये होती है हमारी SQL पैकेज के अंदर, तो मैंने यहाँ पे SQL डॉट स्टार लिखा, बिल्कुल परफेक्ट है। अब SQL डॉट स्टार मैंने यहाँ पे लिखा, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर इसमें रिजल्ट सेट में वैल्यू है तो उसका हम पता लगा सकते हैं यहाँ से, वाइल लिखने की जरूरत नहीं, आप इफ भी लिख सकते हो, अगर सिंगल वैल्यू है तो आप इफ लिख सकते हो, अगर मल्टीपल वैल्यूज है तो आपको वाइल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंगल वैल्यू ही आएगी मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ एक ही रो से मैच होगा,
तो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इफ लिखा। अगर ये मैच होता है, अगर ये इसके अंदर जाता है तो मतलब उसको वो मिला है, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सेट विजिबल को फॉल्स कर देना है और मेरे को यहाँ पे न्यू लोडिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देना है। बट अगर मैच नहीं होता, अगर यहाँ पे सर आपसे वो मैच नहीं होता तो मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस जी ऑप्शन पे इन का एक ऑब्जेक्ट बना देना है। जी ऑप्शन ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, मतलब जी ऑप्शन पे इन के एक मेथड को कॉल कर देना है, जो कि है यहाँ पे शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पे आ गया आपके पास, अरे बोल क्यों लिख और इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्वेरी मारी डेटाबेस में विद यूजर नेम और पासवर्ड, जहाँ पे यूजर नेम मैंने ये रखा, पासवर्ड मैंने ये रखा, और मैंने इनको लेके एक क्वेरी मार दी। ठीक है, जहां पर मैंने ये क्वेरी मार दी, और यहाँ पे अब ये क्या हुआ, इसको लोकल वेरिएबल्स हाइड्स अ फील्ड, ओ पासवर्ड के नाम से एक बटन है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, इसको कुछ और लेना पड़ेगा मेरे को, इसको पास ले लेते हैं, इसको मैंने सपोज पास लिया यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब तो कोई बॉन्डिंग नहीं है। हाँ, अब ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक क्वेरी मारी फ्लेक्स स्टार फ्रॉम अकाउंट अकाउंट टेबल में, जहाँ पर यूजर नेम मैंने मैच करने की कोशिश की और पासवर्ड मैंने मैच करने की कोशिश की। इसका पूरा रिजल्ट आएगा मेरा यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, इसका पूरा रिजल्ट आ गया रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर वैल्यू आई है तो मैं नेक्स्ट करके उसको लूप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन जो होता है वो एक तरह से ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करता है। ठीक है, अगर rs.next की मेरे को ये बताएगा कि आपका rs जो ऑब्जेक्ट है वो खाली है या फिर इसमें अभी भी वैल्यू है। ठीक है, अगर rs.next मेरा पहली बारी में ही खाली आ गया, मतलब ये वाली क्वेरी मेरी फेल हो गई और उसको डेटाबेस में कुछ नहीं मिला, तो उसमें उस केस में मेरे को यहाँ पे दिखाना है इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। बट अगर rs.next में वैल्यू है, मतलब ये वाली जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हिट हुई है डेटाबेस में और उसको वैल्यूज मिली है डेटाबेस में जो कि इस कंडीशन से मैच हुई है, तो मतलब यूजर यहाँ पे सक्सेसफुली लॉग इन कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे इसको चला सकते हो। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, मेरे को एक सेकंड, यूजर नेम है मेरा शाहरुख और पासवर्ड है मेरा यहाँ पे 12345, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज शाहरुख और 12345। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे लॉग इन किया, तो यहाँ पे लॉगिन फ्रेम खुलना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पे वेलकम शाहरुख है ना, यहाँ पे हार्ड कोड हुआ है, ये हार्ड कोड नहीं करना मेरे को। तो इस वैल्यू को आप पास कर सकते हो यहाँ पे, यूजर नेम मेरे पास ऑलरेडी है जो मैंने यहाँ पे इस गेट टेक्स्ट से निकाला, और इसको मैंने क्या क्या करा, यहाँ पे यूजर नेम को इस लोडिंग क्लास के अंदर पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट। अब आप वहां पे आपने उसको एज आर्ग्यूमेंट पास किया, तो आप यहाँ पर अब इसको निकाल सकते हो। मेरे पास यहाँ पर स्ट्रिंग यूजर यूजर नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ स्ट्रिंग यूजर नेम। अब ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, और आपको यहाँ पे इसको एक काम करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ग्लोबली भी डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि बताता हूँ क्यों क्यों किया मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर, क्योंकि मेरे को इसको अब आगे भी यूज करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दिस डॉट यूजर नेम इज इक्वल्स टू यूजर नेम यहाँ पे लिखा मैंने। यहाँ पे लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर कराया है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जावा का, आई होप आपको पता होगा। और फिर अब मैंने यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ये सबसे पहले तो यहाँ पे ये इसने एरर दे दिया भाई, डुप्लीकेट डेक्लेरेशन का वो एरर था, एक सेकेंड, मेरे को यहाँ पे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। परफेक्ट, अब मेरे को यहाँ पे शाहरुख जो मैंने यहाँ पे ये हार्ड कोड किया हुआ था, अब मैं यहाँ पे कनकैट करा सकता हूँ यूजर नेम को। ठीक है, तो अब यूजर नेम जो भी बंदा यहाँ पे डालेगा, जैसे यहाँ पे शाहरुख है, तो अब वहां पे वो आएगा जो मैं वहां से डालूंगा। एक सेकेंड, मैं आपको अगर दिखाऊँ इसको, तो मैं सपोज यहाँ पे मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद एक सेकेंड लॉगिन फ्रेम खोलने देते थे, मैंने यहाँ पे सपोज शाहरुख लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा अरे शाहरुख और 12345। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, तो अब आप देखो यहाँ पे जो शाहरुख लिखा हुआ है ना, ये वैल्यू मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ जो मेरा लॉगिन फ्रेम है वहां से। ठीक है, एंड बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद एक बार मैं आपको इनवैलिड वाला केस भी दिखा देता हूँ कि वो भी परफेक्ट चल रहा है। मेरे पास यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, मैंने यहाँ पर लिखा सपोज कोड फॉर इंटरव्यू, कोड फॉर इंटरव्यू के नाम से मेरे पास कोई भी यूजर नहीं है डेटाबेस में, तो यहाँ पे सपोज 6789। ठीक है, और ये इनवैलिड लॉगिन का केस है, तो मैंने यहाँ पे इनवैलिड लॉगिन किया और यहाँ पे दिखा दिया इसने इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। परफेक्ट है, तो आई होप क्लियर होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।